हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो यहाँ करने बना रही मैं सुबह का नाश्ता, मतलब बच्चे कर चुके हैंगे, मैं अपने लिए बना रही थी। तो बस मैंने थोड़े से मखाने मूंगफली फ्राई करे हैंगे। नमकीन वगैरह मुझे अच्छी नहीं लगती हैगी, ये बच्चे तो नमकीन वगैरह टोस्ट वगैरह से ही करते हैं। तो मैंने अपने लिए थोड़ा सा हल्का सा नाश्ता बनाया, और इस संग में ये बोले मैं भी पीऊँ चाय, तो इनके लिए और अपने लिए मैंने चाय इसमें बनाई है। इनकी कम मीठी है, मतलब चाय तो कम मीठी ही है, लेकिन बाद में थोड़ी सी चीनी मिला लूँगी अपनी चाय में, मुझे थोड़ी मीठी अच्छी लगती हैगी। तो चाय वगैरह पी के फ्रेंड ऊपर आ गई, क्योंकि मुझे गेहूँ बनाने थे आज, गेहूँ साफ़ करने थे। तो वैसे ही सब फटक रही थी, गेहूँ बना रही थी, और ये धोकर भी सुखाने थे तो धो दिए हैं गेहूँ। मौसम हो रहा है ख़राब, आप देख रहे होंगे, शायद लग रहा होगा आपको उसमें। तो बस जल्दी से जल्दी धो दिए हैंगे, और काफ़ी कूड़ा कबाड़ा होगा पूरी छत पर, काफ़ी मतलब उसको धोए तो काफ़ी गंदगी भी निकली। ऐसे करते करते बहुत काफ़ी टाइम हो गया, सिर दर्द हो गया, सिर घूम गया मेरा। अलग धूप नहीं थी, उसकी हल्की धूप निकल आती थी, हल्की हल्की चली जाती थी। तो शक्कर समझ सकते हैं, गेहूँ वगैरह काम काफ़ी थोड़ा सा भारी पड़ जाता है, मुझे तो भारी लगता है। आप औरों की पता नहीं, क्योंकि तो जिस दिन मुझे गेहूँ बनाने होते हैं उस दिन मुझे भारी लगता है बहुत ज़्यादा ही। तो बस उसने इस गेहूँ बनाने के बाद थोड़ी सी खिचड़ी बनाई सुबह दोपहर में, और कुछ नहीं बनाया मैंने। इधर चली गई लाइट, और ये लाइट हो गई खराब। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? तो आई होप अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो बस अभी करके आई हूँ कपड़े वगैरह घर ही, और आज बिल्कुल सुबह से बात नहीं हुई आपसे, क्योंकि यार गेहूँ वगैरह बनाए थे तो उस चक्कर में बात नहीं हुई, इसमें लग गई उसमें। फिर मौसम हो गया एकदम से ख़राब, मौसम ख़राब हो गया, उसका नीचे जाके आई मैंने हल्का सा खाना बनाया, खाना का खिचड़ी बनाई, कुछ नहीं बनाया। तो गेहूँ में मुझे बहुत टाइम लग गया बनाते करते, धो के सुखाए उन्हें, कुछ बना था तो उस चक्कर में बहुत काफ़ी टाइम हो गया, फिर मैंने आप लोगों से बात नहीं करी। या फिर खिचड़ी खा करके सो गई, मौसम हो गया एकदम ख़राब, लाइट चली गई, करीब 2.5-3 घंटे बाद लाइट आई। तो उस चक्कर काफ़ी काम भी बहुत लेट हो गया आज मेरा। तो बस सोचा आप लोगों से बात कर लूँ, वीडियो तो शुरू सुबह से ही कर दिया था, तो बस सोचा आप लोगों से बात कर ली कर लूँ, कर ही नहीं थी। दोपहर में पूरी बीच सो गई खा पी करके, इतनी बुरी बीमारी, बहुत जल्दी मुझे नींद आ जाती, खाना खाया नहीं कि मुझे नींद आई नहीं। तो बस खाना खा के सो गई, रोटी कपड़े वगैरह घर ही करे, अब जा रही पहले फिर चाय पीऊँगी, उसके बाद किसी काम में लगूँगी। तो बस यही सब चल रहा है, सब घर के अंदर ही है, टीवी चल रहा है तो उधर, शायद आप लोगों का आवाज़ भी आ रही हो। तो बस यही सब चल रहा है, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। फ्रेंड आ गई अपनी किचन में, शाम का खाने की तैयारी कर ली है मैंने, आटा वगैरह सब लगा के रख लिया है। दाल बनाई है आज, उड़द और चने की दाल बनाई है, थोड़ा सा रायता वगैरह बनाया, थोड़े से बर्तन बड़े थोड़े लगा रही थी। और ये दाल फ्राई करने के लिए मैंने सामान वगैरह कट कर लिया है, टमाटर काट लिए हैं, लहसुन और प्याज काट के उसमें तड़का लगा दूंगी दाल में। तो बस दाल में सीटी आ रही हैंगी, सीटी आती है तो बस खाना थोड़ा सा रेडी है एक तरह से। यहाँ थोड़ा सा मैंने खीरे का रायता बनाया था, दही लेकर आए थे ये, तो रायता बनाया था खीरे का, इसमें काला नमक डाल दिया, सफ़ेद नमक डाल दिया है, और पिसी हुई मिर्च डाल दी है, मतलब सब सिंपल सही बनाया। और थोड़ी सी हींग उसमें ऐड करके खीरे का रायता बनाया है मैंने। तो बस सब खाना पीना बन ही चुका है, बस कल ही रायता की तैयारी करनी थी मुझे। सो फ्रेंड, जो छोटे वाले बेटे को अपने को दे रही हूँ खाना, खाना मांग रहा था वो, क्योंकि आज खिचड़ी रहती सबको जल्दी जल्दी भूख लगाई, तो फिर जल्दी जल्दी सब खाते जाओ, मैं भी निबट जाऊँगी, या सारा दिन लगे लगे हो गया। तो बस फ्रेंड अपने छोटे बेटे को थाली दे रही हूँ खाने की। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हैं आप सब? तो बस काम सारा हो गया, मैं घर आ गई हूँ वीडियो एंड करने अपना, तो आप लोगों से बात कर लूँ, वीडियो एंड भी कर लूँ। और आजकल तो बिल्कुल बात नहीं हो पा रही, समय नहीं मिल पा रहा है तो बिल्कुल बात नहीं हो पा रही है आप लोगों से। आज तो सुबह बिल्कुल भी बात नहीं हो पाई, क्यों मैं जो वगैरह बनाए थे तो इस चक्कर में काफ़ी लेट हो गया मुझे काम करते, और इतने ही बीच में चली गई, हमारे यहाँ मौसम हो गया ख़राब तो लाइट चली गई, लाइट चली गई बहुत काफ़ी लेट लाइट आई, तो काम को भी बहुत लेट हो गया। तो इस चक्कर में कुछ ही बात रही, नहीं मैंने तो कोई वीडियो बनाया, और दोपहर में खाना भी वैसे ही बना लिया, खिचड़ी बनाई थी उन्होंने, कुछ नहीं बनाया, गोभी लेकर आई थी तो खाली गोभी वगैरह की खिचड़ी वगैरह बना करके उनमें खा पी कर सो गई, बहुत तेज नींद आ गई एकदम से। उठी फिर अपने कपड़े वगैरह खड़े करे, अपने काम में लग गई, सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। तो बस गेहूँ बनाते बनाते सिर्फ घूम गए ऊपर छत पर, धोई थी मतलब मौसम ख़राब भी था और हल्का हल्का से खुल भी रहा था, तो काफ़ी तेज़ सिर में दर्द हो गया, बनाते करते धो के डालते करते तो तेज़ सिर में दर्द हो गया, सिर घूम गया मेरा,
खुद करना तो अपने काम में शर्म कैसी करना तो है ही, करना तो वही पड़ेगा, कोई और नहीं कर जाएगा। तो खाएंगे हम तो करेंगे भी हम, तो बस ये सब चल जाएगा। सब घर के अंदर है लॉकडाउन, देखो 17-18 तारीख के बाद कहीं ढंग से फाइनल पता चले। और हमारे यहाँ आज तो कुछ इलाके जो है कुछ सील कर दिए गए, उनको मतलब घरों घर में से निकलने के लिए भी मनाई है कि जैसे बाहर बच्चे गली में लोग बैठ जाते थे उस करके, तो वो सब 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 लॉक है, सब लॉक है सारा आज देखे थे। और बच्चे वगैरह जो कुछ जो लोग उधर थे तो अपने मोबाइल से खींच के लाए थे उसमें फोटो, तो उन्होंने भी बैरियर लगा रखे हैं पुलिस वालों ने, बिल्कुल जाने सब मनाई है। वहाँ की दुकानें वगैरह सब सब बंद हैं, तो बस अभी हमारी तरफ इस तरह नहीं, क्योंकि हमारे गाँव की तरफ थोड़ा सा बढ़ जाता है तो इधर इतना नहीं है वो सब। पता नहीं कब से ही होगा, तेरा दिमाग सोच सोच के परेशान है, तो पता नहीं ये कब खुलेगा, कब कैसे सब ठीक, सबका जीवन पटरी पर आएगा कैसे आएगा समझ नहीं आता है। काफ़ी लंबे समय खिंच गया और सब कह रहे हैं अभी आगे और जाएगा समय, बस यही सब चल रहा है, सब घर के अंदर ही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।